बढ़िया से नी बजे तो उल्टा सुलटा बीज। गीत निषादिया जामिल की खबर ली प्रभु आपने, आ भक्ति के बस हो कर के भिलड़ी की गति की आपने। आप पर कितने भगत और जीवन को निछावर कर गए, नाम लेकर के तुम्हारा तो हजारों पापे तिर गए। कोई तल दुखी कोई मल दुखी कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। बोले भगवान राम की जय हो। किस वक्त की वार्ता है कि एक समय भगवान कृष्ण आसन लगा करके बैठे हुए थे, नैन बंद थे, होठ हिल रहे थे, अर्जुन पास में खड़ा था भगवान की सेवा में। जब अर्जुन ने भगवान के नैन बंद करके नैन बंद देखने से कहने लगा, बोले भगवान सो रहे हैं तो होठ कैसे हिल रहे हैं? पूछ बैठा, बोले महाराज आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन मैं भजन कर रहा हूं। महाराज भजन, संसार आपका भजन करता है लेकिन आप किसका भजन करते हैं? अरे अर्जुन, भगत मेरे भजन करते हैं, मैं भक्तों का भजन करता हूं। भगत हमारी आत्मा, मैं भी भगत के साथ, जहां पर भगत पग धरते अर्जुन में नीचे धरता हाथ। एक समय भगवान कृष्ण बैठे हुए थे हो के मगन, जब हाथ जोड़ करे कहने लगे थे, प्रभु को बोले थे अर्जुन। से बड़ा है अर्जुन, भगत चाहे मेरे को बुलाना चाहे तो मेरे को नंगे पांव जंगल में भाग करके जाना पड़ता है। भगत तीन लोग को बस में भी कर सकते हैं, भगत जल में पत्थर भी तिरा सकते हैं। रतन सिंहासन बैठ करी कहे अर्जुन को भगवान, गुरु भगत परमात्मा अर्जुन ये सब एक समान, जो कोई भक्ति कर सके तो जल में तिरे पाखान, तीन लोक बस में करे तो ये भगतों के आसान। इतनी बात सुनते ही अर्जुन ने, क्या महाराज गुरु भगत परमात्मा इनका एक ही दर्जा है? हाँ अर्जुन। अर्जुन ने सोच लिया, मैं भी तो भगवान के पास में हमेशा सेवा में रहता हूं, अगर भक्तों के भजन करते हैं तो शायद मेरे भी भजन करते ही होंगे, लेकिन मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूं मेरे को विश्वास कैसे हो जाए कि ऐसे ऐसे भगत हैं? क्या महाराज जल में पत्थर तिरा सकते हैं? बोले हाँ। तीन लोग को वश में कर सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं। जब बोले अर्जुन बानी,
मेरी सुनिए अंतर्यामी। नारायण नारायण मुख से खड़े द्वार पर गाते हैं, मोर ध्वज का सत्य कण को नर नारायण जाते हैं, तो जाकर के सत्यवादी मोर ध्वज के द्वार पर अलग जगाया। भगवान ने सोच लिया अर्जुन के भक्ति का अरमान है, जब मैं भक्ति दिखाऊंगा तो फिर नीचे जमीन किस जाएगी, भक्ति होती क्या है। जाकर के दरवाजे अलग जगाया, दरवान देखकर दो साधु और एक शेर कहने लगा, कहिए महाराज आपकी क्या इच्छा है। घबराता हुआ चरणों में पड़ा। सत्यवादी मोरदज के बारे में भगवान ने कहा, बोले भाई दरवान तेरी बस की बात नहीं है, जाकर के सत्यवादी मोरदज का नाम सुनकर के आए हैं, उसको जाकर के कह दे कि दो संत दरवाजे खड़े हैं। दरवान भाग करके यहां पर सत्यवादी मोरदज सिंहासन पर बैठे हुए थे, कहने लगा, तोरण खेत छिपे नहीं, धानी छिपे
छिपे नहीं गरे मंगनी आए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, घूंघट की पटी वोटी लगाए, जोगी बेसी अनेक करो पर कर्म छिपे न बबू निरमाए। भोपाल मोरदा आके यूं फरमाया है, दो साधु और एक शेर दरवाजे अलग जगाया है, नाम लिया महाराज आपका डोडी पे बुलवाया है। महाराज दो संत दरवाजे खड़े हैं, सुनते ही सत्यवादी मोर ध्वज भगवान का प्यारा दौड़ कर राजा आ गया, जा खड़े दो महात्मा, धन्य भाग दर्शन मिले तो शुद्ध हो गई आत्मा। आखिर के चरणों में पड़ के बोला, ऐसे दास पर आज्ञा करो तो मेटो दिल संताप ना, भव सागर से पार करे गुरु मात पिता परमात्मा। संतों के चरणों में सिर झुका करके कहने लगे, महाराज धन घड़ी धन भाग, आज इस दास के द्वार पर आने का मेरा बहुत ही बड़ा भाग्य है, कहो आपकी क्या इच्छा है। अरे राजन, हमारी इच्छा मामूली है, हम सिर्फ भूखे हैं, भोजन चाहिए। राजा सब नगरी में फिर आया, सब ने तुझको दानी बताया, सब सब नगरी में फिर आया, सब ने तुझको दानी बताया, भोजन भी ने डिग रही है काया, जब तो राजा यूं फरमाया, भोजन भी ने डिग रही है काया, जब तो राजा यूं की जय हो।
सत्यवादी मोहरदज कहने लगा, महाराज ये तो छोटी सी बात है कि आपको भोजन नहीं मिला, मेरी नगरी के अंदर किसी ने भोजन नहीं दिया। बोला, राजन हम जिसके द्वार पर गए सब ने तेरा इनाम बताया, तो महाराज कहिए आपको क्या भोजन चाहिए। हाथ जोड़ के कहे मोरदज राजा, पकवान मिठाई बनवा दू मैं ताजा, जो इच्छा हो मुख से कह दो महाराजा, पर मेरा सब विधि जाओ करके पूरण काजा, मेरे द्वार से निराश नहीं जाओगे। इतनी सुनते ही दीन बंधु दीनानाथ संत के वेश में कहने लगे, सुनकर के राजा की बात को जब साधु फरमाते हैं, अरे बोले राजन हमको पकवान मिठाई की जरूरत नहीं है, पकवान मिठाई खाने वाले संत नहीं है, ये सूखे टुकड़ खाने वाले हैं, लेकिन वो भी हमारे नसीब में नहीं। महाराज कारण क्या है? ना चाहिए पकवान मिठाई, खा लेंगे लूका सूका, पर हम भोजन कैसे कर ले, सिंह साथ में है भूखा, हम भोजन कैसे कर ले, मेरे सिंह साथ में है भूखा। अरे पहले भोजन सिंह करे, हाँ पहले भोजन सिंह करे, अरे फिर भोजन हो साधु का, अब फिर भोजन हो साधु का, हम हाथा करके खा लेंगे, चाहे तू दाल चूने दे दे सूखा, हाथा करके खा लेंगे, चाहे दाल चूने दे दे सूखा। सियाराम 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 सीताराम, ओम नमः शिवाय राधे श्याम, ओम नमः शिवाय सीताराम, ओम नमः शिवाय राधे श्याम। हाँ पहले भोजन सिंह करे और फिर भोजन हो साधु का, तो जीमो मेरे द्वार। महाराज आपका सिंह क्या खाएगा, सिंह का भोजन मंगवा देता हूं। वैसा बकरा सिंह को तो मंगवा दूं दो चार, भोजन तीनू प्रेम से तो जीमो मेरे द्वार। अलगल का गाठा नहीं मेरे भरे हुए भंडार, जो इच्छा हो मुख से कहो दास नहीं किसी तरह इनकार। कहो महाराज आपकी क्या इच्छा है, कितने वैसे बकरे मंगवाऊं? अस्कर के संत बोले, राजन वैसा बकरा खाने वाला सिंह नहीं है, तो महाराज फिर आपके सिंह का भोजन क्या होगा? अरे मैं संसार में फिरता फिरता आया हूँ, मेरे को भोजन जिमाने वाले बहुत मिले, लेकिन मेरे सिंह का भोजन देने वाला कोई नहीं मिला। सब बोले यादव राई, राजा सुन ले जाने लगाई, हमारा राजा पूरा।
लगे, अरे राजन भैंसा बकरा नहीं खावे सिंह हमारा, जो भूख मिटाओ सिंह की ल्याओ लाल तुम्हारा, पूरा करो जब तो ये है वचन हमारा, और कैसा सत्वादी आज मैं देखो सत्य तुम्हारा, मैं तेरा नाम सुन करके आया हूँ, मेरे सिंह का भोजन तेरा रतन कमर होगा। सुनते ही सत्यवादी मोर ध्वज संकोच बहे चकित बहे, बोला ये तो को संत नहीं है, जान गया सत्यवादी राजा मेरा त्रिभुवन सत अजमाते हैं, मोर ध्वज का सत देखने को नर नारायण जाते हैं। सत्यवादी मोर ध्वज ने सोच लिया आज साधु भेष करके हो सकता है कि भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, चरणों में पड़ गया, कहने लगे महाराज पहले मैं सिंह का ही भोजन लाता हूं, लेकिन मेरे द्वार से निराश नहीं जाओगे। साधु कहने लगे बोला राजन अगर तू रतन कंवर को लेने के लिए जाता है और तेरी रानी इनकार हो गई पुत्र को देगी नहीं, तू महल में बैठा रहेगा हम यहां बैठे रहेंगे, जाना है पुत्र को लेना होगा, वचन वचनबद्ध होकर के जाना होगा। महाराज नहीं जाओगे, आसन लगा दिया संतों का बिठा दिया, सत्यवादी मोर ध्वज रानी के महल में जाता है, रानी राजा का आता हुआ देख करके उठ करके चरणों में सिर झुकाया, धन घड़ी धन भाग इस दासी के महल में आने का कारण क्या है और महाराज आपका चेहरा उदास क्यों है, ऐसा कौन सा संकट है। सत्यवादी मोर ध्वज कहने लगा रानी जिस कारण मैं आया हूं वो मैं तेरे को बताता हूं, संकट की कोई बात नहीं, आज भाग उदय हुए हैं, धन भाग है तुम्हारा हमारा। महाराज बात क्या है, संतों की आज्ञा पा करी जब रानी के महल में आया है, आका देख करे पति देव को उठ के चरणों से झुकाया है,
सिया राम राधे श्याम ओम नमः शिवाय सीताराम ओम नमः शिवाय सीताराम ओम नमः शिवाय राधे श्याम। रानी को कहने लगा, रानी मैं तेरे द्वार पर आया हूं। हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, महाराज जो भी कुछ आप में संकट है या कोई बात है वो मेरे को कहिए। साधु की आज्ञा पाकर रानी के महल में आया है, आता देकर पति देव को उठ के चरणों से झुकाया है, दो साधु और एक शेर दरवाजे अलग जगाया है, नाम लिया महाराज आपका डोडी पे बुलवाया है। सत्यवादी मोरदा जी जब सुनता है साधु कहने लगे, रे राजन वैसा बकरानी खावे सिंह हमारा, जो भूख मिटाओ सिंह की लाओ लाल तुम्हारा, पूरा करो दब तो यह है वचन हमारा, कैसा सत्यवादी आज हम देखे सत्य तुम्हारा। जान गया सत्यवादी राजा मेरा त्रिभुवन सत्ता जमाते हैं। जब रतन कंवर का नाम लिया सत्यवादी मोरदा जान गए ये साधु भेष करके शायद भगवान मेरे सत्य देखने को लिए आए हैं। जब रानी के पास में जाकर के कहा, बोला रानी दो साधु एक शेर दरवाजा आए हुए हैं और सिंह भूखा है, उसके वास्ते तेरे रतन कंवर को मांग रहे हैं। रानी कहने लगी, महाराज इसी बात में आप उदास हो रहे हैं, ये तो छोटी सी बात है। आ सुनकर राजा की वाणी बोली हाथ जोड़ कर रानी, सुनकर राजा की वाणी तेरी हाथ जोड़ कर रानी, आज जो मांगे अंतर जामी आ तो दे जो पुत्र को स्वामी, सभी उसी की
ध्वज प्रसन्न हुए, जैसा मैं चाहता था वैसा ईरानी ने कहा। लेकिन रतन का और 5 वर्ष का है, अगर संतों के आगे ले जाकर के खड़ा कर दिया, संत डर गए, संतों को देख करके रतन का डर गया तो संत नाराज हो जाएंगे। पहले रतन का उनको समझाना जरूरी है। जय हो। खेलते हुए को ला करके और गोद में बैठा करके माता बेटे का लाड किया, आंखों में आंसू आ गए रतन का और कहने लगा, माँ एक तरफ मेरा लाड करती है, एक तरफ तेरा आंखों में आंसू है, कारण क्या है? गोद लिया बैठाई पुत्र को, आ जब माता समझ आई रही, आ मेरा बेटा आज तेरा मैं आखिरी लाड लड़ाए। कहने लगा, मां घबराने की बात नहीं है, अवसर तो आने का ही नहीं है। जब रतली कवर समझावे, माता काया काम नहीं आवे। सब झूठा ना ताए माती पिता पुत्र का।
पिंजरा है, ये किसी भी काम नहीं आएगा एक रोज। हाथी के दातन के खिलौने भांति भांति भागन की खाल, शिव के मन भाई ये मिर्गा की खाल को तो राखती योगी अति, शेरी की खाल थोड़ा जल भरी लाई है, सामर की खाल को तो बांधत सिपाही लोग, गेंडा की खाल राजा राय ने सुवाई है, कहे दरा बिसी मानस की चाम बिना भजन के कोई काम नहीं आए। स्नान ध्यान करवा करके आभूषण पहना करके और संतों के पास में लेकर के आए, संतों के आगे ला करके खड़ा कर दिया। महाराज आपके सिंह का भोजन तैयार है। अरे राजन अभी देने में बहुत कमी है। महाराज कमी क्या है, अगर हमारे रतन कौन से आपके सिंह की तृप्ति नहीं होती तो हम तीनों प्राणी भी मौजूद है। जय हो। रतन कंवर को ले संग में आ जब आए हैं राजा रानी, रतन कंवर भी संतों को आके शीश झुकाया आगे वाले, रतन कंवर आगे संतों को संग में जब आए हैं राजा रानी, रतन का और भी संतों को आके सी झुकाया अगवानी, पुत्र खड़ा मेरा आगे हाजर है, कहो क्या आज्ञा अंतर्यामी, सिंह रहे ने भूखा आपका हाजर है तीनों प्राणी। महाराज आपका सिंह से आपका सिंह की तरफ से हमारे पुत्र से नहीं होती तो हम तीनों प्राणी मौजूद हैं। हरे राजन मेरा सिंह का भोजन तेरा रतन का और होगा, लेकिन मैं कहूंगा वैसे देना होगा। महाराज जैसे आप कहोगे वैसे मैं रतन कौर को देने के लिए तैयार हूं। देना है जो पुत्र को तो दिल में धरिए धीर, सारा को खावे नहीं तो करो पुत्र की जीर, ममता के बस हो करके अगर तुम सीरते टाइम राजा रानी दोनों के किसी के भी आंखों मासू आ गए तो मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर कहे कि मेरा लाल भी गया और साधु भी गया। देना है जो पुत्र को तो दिल में धरिए धीर, सारा को खावे नहीं तो करो पुत्र की चीर, ममता के बस हो करके जो तुम भरो नैन में नीर,
फिर मैं भोजन नहीं करूं, राजन सुन ले बात अखीर। इस ढंग से देना होगा। राजा रानी दोनों सुनकर के साधु की बात एक दूसरे की तरफ देखने लगी। रानी से राजा कहने लगा, रानी ये अवसर आने का नहीं है, घबराने की बात नहीं। महाराज रतन कौर मेरा आगे रहेगा, मेरे सहारा नहीं चलेगा, मेरी आंखों की पट्टी बांध दीजिए ताकि मेरा रतन कौर मेरे को आंखों से नहीं दिखे। सत्यवादी मूर्धज ने रानी के दोनों नयन बंद करके पट्टी बांध करके एक तरफ राजा एक तरफ रानी भगवान के गुण गाते हुए भक्ति भाव से राजा रानी ठा लिया आरा आ रतन कंवर मेरा प्यारा राजा रानी। जैसे जैसे रतन कंवर प्यारा चला, दूध और खून का तालाब तो तरफ भरता गया। रानी आत्मा को रोकी लेकिन रुकी नहीं। सच की आरी माता पिता चलाई, एक रतन कंवर की प्रभु ने दो चीर करवाई, एक सिंह को दी और दूजी महल धरवाई, ममता बस हो रानी ने निर्भर लाई। आत्मा को रोकी लेकिन रुकी नहीं। आदि जब तक रतन कंवर चीरा गया, एक चीर सिंह को दी, दूजी को महल में धरवा दी और फिर संत खड़े हो गए। बोले राजन हम तेरे भोजन नहीं करेंगे। बोले महाराज कारण क्या है? अरे बोले राजन
हमको ये मालूम होता कि तुम दानी नहीं अभिमानी हो, हम तेरे द्वार पर नहीं आते। महाराज कारण क्या है, ऐसी मेरे में कौन सी चूक है? अरे तुम रो रो करके पुत्र को चीर रहे हो, हम भोजन नहीं करेंगे। नहीं रुकेंगे हम राजा, आ तुम नैनो नीरी बहाते हो, आ झूठे दानी बड़े भगत क्यों संतों को बहकाते। पापी कौन जगत में जो प्रभु भोजन नहीं खाते हो। महाराज मेरी रानी रोने का कारण आपके समझ में नहीं आया। मेरी रानी रोई है कि महाराज पाप और पुण्य दोनों क्या एक ही शरीर में विराजमान रहते हैं, जो कि आधा अंग आपका सिंह खा गया, उसने कौन सा पुण्य किया था, कौन सा तप किया था, और आधा अंग मेरे रतन कंवर का आपने दूर धरवा दिया, उसकी मोक्ष नहीं हुई। महाराज इस भेदभाव को देख करके मेरी रानी रोई है, और पुत्र को तो देना ही था। इतनी सुन करके भगत के मुंह से भगवान को हंसी आ गई। अरे बोला राजन हमको अच्छा मूर्ख बनाया, क्यों वो घटघट के वासी थे, जानते थे कि रतन का उनको सिर करके रानी रोई है। लेकिन भगवान प्रसन्न हुए, अर्जुन की तरफ देखे, अर्जुन नीचे गर्दन करके बोले, जय हो महाराज आपकी और आपके भक्तों की, मैं जानता था कि भगवान मेरे भी भजन करते हैं, मेरा तो दो चार मणियां भी नहीं आता है। भगवान प्रसन्न होकर के राजा से कहने लगे, सुन कर कुशी हाथ जोड़ राजा कहे, सुनिए दीनानाथ रतन कवर मेरा एकता तो दो करवाया आप, एक चीर सिंह खा गया दूजिन किया कौन सा पाप, इस कारण मेरी रानी रोई तो कर दिल में संताप। सुनकर खुशी हुई सल्तन को भगति ज्ञान हुआ अरे I'm
सागर की धारा महाराज मेरा रतन कौर क्या करेगा, आपकी सेवा में आपका दास खड़ा है। राजन आवाज लगाओ, आवाज लगाई, महल से आवाज आई कि हाँ पिताजी मैं आया। राजा चौंके, बोले प्रभु की माया है या मेरा रतन कौर बोल रहा है। मेर करी भगवान भगत पर रतन कौर बुलवाया है, देखो लाल सकते हैं। बोले महाराज मैं यही मांगता हूं, नरहरि भोजन कर रहे तो भक्ति प्रेम से साथ हाथ जोड़ राजा कहे तो सुनिए दीनानाथ। जैसी प्रभु मुझ में कीनी मत करना किसी भगत के साथ, इतनी सुनकर भगत की तो प्रभु धरो शीश पर हाथ। अरे